अभी मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो हर बार लाइफ के हर मोमेंट में काम आता है। इस कहानी का जो मैसेज है हिडन मैसेज जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो हर दो तीन दिन में एक बार मुझे याद आ ही जाता है, फिर मुझे लगता है कि स्टोरी आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। तो अब मैं आपके साथ में वो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि सबने स्टोरी शायद नहीं सुनी होगी। कहानी है एक व्यक्ति की जो किसी भी लॉक को खोल सकता था, चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, जेल का लॉक हो, घर का लॉक हो, कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक होता है वो खोल लेता था। लोग हैरान होते थे कि ऐसे कैसे कर सकता है। तो एक दिन एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि वो व्यक्ति एक चैम्बर का लॉक खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा, उसको चैम्बर के अंदर बंद किया जाएगा और उस चैम्बर को लॉक करके स्विमिंग पूल में डाला जाएगा पानी से भरे हुए। अगर लॉक खोल पाया तो वो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज वो अपनी हार एक्सेप्ट भी कर सकता है एक इमरजेंसी रिंग बजाकर। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं लॉक नहीं खोल सकता। उस व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिए, उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर देगा। बहुत लोग अपने कैमरे साथ में लेकर आए शूट करने के लिए। व्यक्ति को चैम्बर के अंदर डाला गया, गेट बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारा गया और खेल शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे हैं, सब एक्साइटेड हैं कि वो किस तरह से लॉक खोल के बाहर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने अपने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलना स्टार्ट किया और सेकंड चलते जा रहे थे। एक एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए बहुत टफ था, क्योंकि सांस रोकनी बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग देख रहे थे कि ये कुछ ही सेकंड में हर बार लॉक खोल लेता है, तो इस बार इतना टाइम क्यों ले रहा है। सेकंड जैसे बढ़ते गए उस व्यक्ति का दम घुटने लगा, उसको बहुत परेशानी हो रही थी उस लॉक को खोलने में। उस व्यक्ति ने अपना सारा जोर लगा दिया, अपनी पूरी ट्रिक्स लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा दिया और लॉक खोल नहीं पा रहा था। फाइनली उसको हार मानना ठीक लगा, उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार मान रहा हूँ, मैं नहीं खोल सकता। फिर जैसे उसने इमरजेंसी रिंग बजाई वो चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो व्यक्ति हार चुका था तो उसको बहुत हारा हुआ फील हो रहा था, उसको शर्म आ रही थी इसलिए ऊपर नहीं देख पा रहा था। वो चैम्बर में नीचे बैठ रहा होता है, चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है कि चैम्बर का गेट खुल जाता है। जैसे वो धक्का लगता है साइड की तरफ और उसे पता लगता है कि गेट लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट का लॉक भी न किया गया होगा। जब वो इतनी ट्रिक्स लगाने के बाद में लॉक को नहीं खोल पा रहा था तो उसके दिमाग में एक बार भी क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है लॉक किया ही नहीं गया हो। जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता। कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है, कई बार बस ये देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम्स है भी या नहीं। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, बिजी लोगों की वैल्यू होती है। एक ये ट्रेंड सा चल गया है कि बिजी लोग बड़े लोग होते हैं। बिजी रहना अच्छा है, ये एक तरह से स्वैग है लोगों के लिए, लेकिन समटाइम्स इट इज़ ओके टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना कई बार सही होता है। क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी होते वक्त नहीं आ सकते। ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे, इसी वजह से बहुत स्टार्टअप जितने भी स्टार्ट हुए हैं वो 20 साल की एज के आसपास के लोगों ने ही किए हैं, क्योंकि ये सबसे फ्री टाइम वाली एज होती है। वो व्यक्ति चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कैसा लॉक खोलूंगा, इन सब में बहुत बिजी हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक हो भी ना। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम ठहर के नहीं सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते कि इस बार कुछ न किया जाए, केवल ठहर के सोचा जाए। हम हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ये जो लाइन है ना, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, इसके अंदर बहुत डीप मैसेज है अगर आप समझ पाओ तो। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं किसी और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।